नमस्कार दोस्तों, आर्ट अपडेटिंग की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है वो है बुलिस मोरबोजो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, सीखिए क्या बुलिस मोरबोजो में हम फॉलो करते हैं, क्या इसके रूल्स हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और वीडियो में मैं कुछ एग्जाम्पल दिखाऊंगा चार्ट पे, तो उसको भी ध्यानपूर्वक देखिए और समझिएगा। बेरिस इनगल्फिंग और बुलिस इनगल्फिंग का मैंने जो एग्जाम्पल नहीं दिया है, तो एग्जाम्पल की वीडियो जल्दी मैं उसकी बना के आप लोग के लिए डाल दूंगा, तो उसको भी देख लीजिएगा। और जल्दी हमारी जो ऐप आए कि उसमें होमवर्क वाला जो सेक्शन है वहां से आप जाके होमवर्क पैटर्न में भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारी ऐप है उसका बीटा टेस्टिंग चालू है, तो मेरे ख्याल से शायद नेक्स्ट वीक के लास्ट तक वो फुल फेस में स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं उसका लिंक जो है आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और प्ले स्टोर में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो सारी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिए, जो भी कैंडलस्टिक की वीडियो मैंने डाली है आर्ट अपडेटिंग पे, उसको ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, सीखिए, इंप्लीमेंट कीजिए। जरूरी नहीं है कि हर कैंडल हर दिन आपको मिलेगी, लेकिन जिस दिन मिले उस दिन उसका अच्छा आपको रिटर्न अच्छा मिल जाए। आपने मेहनत की है, वीडियो को देखा है, वीडियो को समझा है, तो जब भी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको अपने जो ट्रेडिंग चार्ट में दिखे उसको इंप्लीमेंट कीजिए, भले छोटी क्वांटिटी से इंप्लीमेंट कीजिए। देखिए, जब तक आप छोटी छोटी क्वांटिटी से इंप्लीमेंट नहीं करेंगे ना, तब तक आप उस पर बड़ा प्रॉफिट कभी लेके जा नहीं पाओगे। तो यह ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी क्वांटिटी से हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, वो कॉन्फिडेंस हमें बड़ा प्रॉफिट लेके आता है। तो चीजों को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए और सीखते रहिए। अब हमें ध्यान ये रखना है कि बुलिस मोरबोजो जो कैंडल बनेगी, या फुल वाइट बॉडी कैंडल भी कुछ लोग बोलते हैं, ये बनने इसके लिए रूल्स क्या है वो ध्यान रखिएगा। सबसे पहला रूल्स तो ये है कि जो ट्रेंड होगा, जिस स्टॉक्स में आप देख रहे हैं, बैंक निफ्टी में देख रहे हैं, निफ्टी में देख रहे हैं, आप जहाँ पर भी देख रहे हैं, उसका ट्रेंड डाउन होगा। 5 मिनट के चार्ट पर पहले मैं ये सारी चीज़ें बताता हूँ, 5 मिनट के चार्ट पर मैं बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, फिर डेली चार्ट पर भी उस चीज़ को दिखा दूंगा, समझा दूंगा। तो 5 मिनट मान लीजिए हमने टाइम फ्रेम लिया 5 मिनट का, आप इसका टाइम फ्रेम 15 मिनट भी ले सकते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हैं, आवरली देख सकते हैं, डेली देख सकते हैं, लेकिन मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं तो मैं 5 मिनट पे देखता हूं और डेली चार्ट पे देखता हूं कि डेली चार्ट पे क्या पैटर्न बना है, और ट्रेडिंग करने के लिए मैं 5 मिनट पे उस पर देखता हूं। तो मैं इसको इंट्राडे में अगर देखूंगा तो मैं कितने देखूंगा, 5 मिनट चार्ट पे देखूंगा, लेकिन कन्वर्ट करके मैं 15 मिनट पे भी देखते हैं, लेकिन कन्वर्ट करके मैं इसको 15 मिनट पे भी चेक करते रहता हूँ। तो आप 15 मिनट और 5 मिनट पे चेक करते रहिए कि कहाँ पे ये बन रही है। कंडीशन ध्यान रखिएगा कि पहला कंडीशन तो ये है कि ये डाउन ट्रेंड होना चाहिए, जो ट्रेंड होगा वो डाउन ट्रेंड होगा। अगर पीछे की आपने 2 वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जा करके देख लीजिए पहले, जो मैंने बुलिस इनगल्फिंग और बेरिस इनगल्फिंग का बनाया है, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो पहला क्या होगा कि मार्केट का ट्रेंड डाउन होगा। अब डाउन ट्रेंड का मतलब, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया है डाउन ट्रेंड होगा, तो कुछ लोग डाउन ट्रेंड का मतलब ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर बीच में कोई ग्रीन कैंडल नहीं बनेगी। ऐसा नहीं होगा भाई, मेरे बीच में ग्रीन कैंडल भी बन सकती है, लेकिन ज्यादातर कैंडलें हमारी रेड होनी चाहिए। इस तरीके का पैटर्न भी चलेगा, ठीक है ना। वन वे मिल रहा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जितना अच्छा ट्रेंड होगा ना, उतना अच्छा उसका रिवर्सल होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए इस तरीके का भी बन रहा तो भी चलेगा। अब हो सकता है यहाँ पे क्या करे मार्केट, यहाँ पे आके मार्केट रुक जाए, 1-2 कैंडल यहीं पे रुक गई, ग्रीन बनने लगी, कहीं पे नहीं गया, ग्रीन बनने लगी, और उसके बाद फिर से मार्केट ने अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखा। तो ये क्या हो रहा है, देखिए ट्रेंड कंटिन्यू है। यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या चल रहा है, ट्रेंड हमारा बिल्कुल कंटिन्यू है। मार्केट बीच बीच में थोड़ा सा पुल बैक जरूर लिया, लेकिन हमारा ट्रेंड क्या है, ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड है। तो हम क्या इसको मान रहे हैं कि डाउन ट्रेंड मार रहे हैं। अगर 8 कैंडल आपको एक वे में, अगर 7 कैंडल 8 कैंडल अगर वे में ही रेड मिलती है उसके बाद बनता है तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता है तो इस तरह के अप ट्रेंड भी बीच बीच में छोटे छोटे 2-2, 3-3 कैंडल जाती रहेगी, फिर मार्केट गिरेगा, फिर 2-3 कैंडल ऊपर जाएगी, फिर मार्केट गिरेगा। और यहाँ पर भी आके अगर आपको यहाँ पर मोरबोजो कैंडल मिले, यानी बड़ी एक फुल बॉडी कैंडल, यानी इस पूरी बॉडी रहेगी, इसका वीक नहीं रहेगा, यहाँ पे कोई वीक नहीं रहेगा, बाकी सब में मान लीजिए जैसे वीक है तो यहाँ पे वीक नहीं रहेगा, ये फुल बॉडी कैंडल रहेगी। अब इन सब कैंडलों में मैंने बनाया नहीं है, लेकिन इन सब कैंडलों में भी क्या रहेगा, वीक यहाँ पे रहेंगे, इसमें वीक रहेगा, कहीं ना कहीं वीक रहेगा। और जो मोरबोजो कैंडल होगी वहाँ पर क्या होगा, वीक नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे वीक है और बॉडी है, तो यहाँ पे वीक नहीं होगा, फुल बॉडी, ये फुल जो है कि फुल बॉडी रहेगी, यानी फुल मोरबोजो एकदम फुल ग्रीन यहाँ पे होगी। कभी कभी क्या होता है, नीचे थोड़ा सा ये छोड़ सकता है तो भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे, या फिर कभी कभी आपको ये पैटर्न भी देखने को मिल जाएगा, इस तरीके का मिल जाएगा कि जैसे यहाँ से तो फुल बॉडी आपको मिली, लेकिन ऊपर हल्का सा यहाँ पे थोड़ी सी वीक मिल जाएगी, तो इसको भी हम मोरबोजो ही कैंडल कंसिडर करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी बॉडी वीक रहेगी तो चलेगा, ठीक है ना।
मान लीजिए पूरा जो ये पूरा बॉडी है, इस बॉडी का अगर 5% या फिर 10% भी रहेगा तो भी ये चल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये अगर कैंडल मान लीजिए 10 रुपए की है, उसमें से 1 रुपए की विक है, 9 रुपए बॉडी बनी है, तो हम इसको फुल बॉडी कैंडल ही बोलेंगे, और ये हमारी जो कैंडल होगी वो बुलिस मोरबोजू कैंडल हम इसको बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यह पैटर्न बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग कैंडल है, ये बहुत स्ट्रांग कैंडल है। मतलब ये कि कंटिन्यू मार्केट का जो ट्रेंड डाउन था, मार्केट में अभी तक बायर बिल्कुल नहीं दिख रहे थे, यहाँ पर इस कैंडल में बायर ने पूरी तरह से मार्केट को कंट्रोल कर लिया है। जब भी इस तरह की कैंडल एक अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद बनती है, ध्यान रखिएगा अगर हम 5 मिनट के चार्ट को देख रहे हैं तो 5 मिनट के चार्ट पे कम से कम 7 कैंडल का डाउनफॉल होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 7 कैंडल का डाउनफॉल होगा, उस 7 कैंडल में हमें एक आध ग्रीन कैंडल चलेगी। लेकिन अगर ये पैटर्न मान लीजिए 15-16 कैंडल से कंटिन्यू चला आ रहा है तो बीच बीच में 2-2, 3-3 कैंडल भी ग्रीन होगी तो भी चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। आप लोग ये मत भूल जाइएगा, मैं अभी एग्जांपल दिखाऊंगा तो वहां से और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप भी हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, लायंस ब्लू, फायर, एसिटी डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा फ्री लर्निंग ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और लर्निंग ग्रुप की जो लास्ट में जो ट्रेनिंग देने वाला हूँ वो जून मंथ में देने वाला हूँ, तो जून मंथ में ट्रेनिंग देने के बाद में ट्रेनिंग बंद हो जाएगी और सारी ट्रेनिंग आपको ऐप में अपलोड हो जाएगी, जो हमारा ऐप है उसमें अपलोड हो जाएगी, तो वहाँ से जाके आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो ये हमारी कैंडल हो गई फुल बॉडी कैंडल या फिर बुलिस मोरबोजू कैंडल। अब यहाँ पे ध्यान हमेशा ये रखना है कि ट्रेंड अच्छा होना चाहिए। देखिए जितना अच्छा ट्रेंड, देखिए जल्दीबाजी में मत ढूंढिए कोई भी, आराम से सुकून से बैठिए, शायद 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद आपको दिखे, लेकिन जिस दिन दिखे उस दिन हमें ट्रेड करना है। एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड करना है, मनी मैनेजमेंट के साथ में जब ट्रेड करोगे ना, जब इस तरीके के आप 10 कैंडल ढूंढोगे और 10 कैंडल का रिजल्ट आप देखोगे ना, तो आप बोलोगे कि हाँ यार वाकई में क्या गलती कर रहा था। 10 कैंडल में आपके 7 से 8 कैंडल के रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे, 2-3 कैंडल एसएल भी करेगी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एसएल लेना, अगर एसएल आप ले लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तब होती है जब आप एसएल नहीं लेते हो, तब आपका बड़ा लॉस होता है। देखिए कैंडल स्टिक का मैंने पहले बताया कि कैंडल स्टिक, अगर आप सारी कैंडल स्टिक की वीडियो देख लोगे ना, तो कैंडल स्टिक से पहले कोई भी रिवर्सल नहीं बनेगा, कोई भी मूविंग एवरेज होगा, कोई भी इंडिकेटर होगा, कोई भी दूसरा पैटर्न होगा, वो कैंडल स्टिक से पहले आपको एंट्री नहीं देगा। सबसे पहली एंट्री जो होती है वो कैंडल स्टिक ही आपको देगी, लेकिन कैंडल स्टिक के बारे में समझ होनी चाहिए कि कैसे लेना है। तो यहाँ पर हमारा ट्रेंड क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड होना चाहिए। अगर हम यही डेली चार्ट पर देख रहे हैं तो कम से कम 4 दिन का डाउन ट्रेंड होना चाहिए। अगर आप इसको डेली चार्ट पे, मान लीजिए ये पैटर्न आप डेली चार्ट पे ढूंढ रहे हैं किसी स्टॉक्स में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, तो 4 दिन का कम से कम डाउनफॉल होना चाहिए, उसमें ग्रीन कैंडल मुझे एक भी नहीं चाहिए, 4 दिन कंटिन्यू ऐसे होना चाहिए और उसके बाद ये बुलिस मोरबोजू बने। जब बुलिस मोरबोजू बनती है तो ये कभी कभी 2-3-4 कैंडलों को एक ही साथ में कवर कर लेती है। तो बुलिस मोरबोजू, देखिए बेरिस के लिए हमने क्या बताया था, बेरिस इंगल्फिंग के लिए हमने ये बताया था कि बेरिस इंगल्फिंग में हम एंट्री तब लेते हैं जब लास्ट जो भी हाई होता है उसके ऊपर निकलता है, लेकिन बुलिस मोरबोजू में हम क्या करेंगे, हम एंट्री उसी कैंडल के हाई के ऊपर लेंगे, ये ध्यान रखना है। यहां पे ये हमारा एसएल हो जाता है और इसी कैंडल के हाई के ऊपर हम एंट्री ले लेते हैं, ये हमारी एंट्री हो गई। एंट्री के बाद हमारा टारगेट क्या होगा, देखिए टारगेट हमेशा जो भी स्टॉक्स है, जो भी स्टॉक्स चल रहा है, मान लीजिए अगर किसी स्टॉक्स में हमने ट्रेड किया है तो उसका 0.7%, यानी स्टॉक्स मान लीजिए 1000 का है, तो अगर यहाँ पे बुलिस मोरबोजू बनी है तो उसका पहला टारगेट हमारा क्या होगा, 7.5 रुपये होगा। अगर स्टॉक का प्राइस मान लीजिए कि 500 रुपये है तो हमारा टारगेट कितना होगा, पहला टारगेट हमारा लगभग 4 रुपये के आसपास का होगा। अगर स्टॉक का प्राइस मान लीजिए 2000 रुपये है तो हमारा पहला टारगेट कितना होगा, लगभग 15 रुपये के लमसम हमारा पहला टारगेट यहाँ पे बनेगा। फर्स्ट टारगेट 0.7% का, सेकेंड टारगेट जो होता है वो 1.5% का, यानी 1.5% का हमारा सेकेंड टारगेट होगा। ये हमारा फर्स्ट टारगेट है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है और ये हमारा सेकेंड टारगेट। सेकेंड टारगेट हमारा क्या होगा, 1.5% का, और जो थर्ड टारगेट होता है वो होता है 2.25% का, हमारा थर्ड टारगेट यहां पे होगा, ठीक है। इंट्री के बाद में स्टॉक प्राइस का, ये बैंक निफ्टी पे नहीं बता रहा हूँ, स्टॉक्स पे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, स्टॉक्स पे बता रहा हूँ। तो स्टॉक प्राइस क्या होगा, इंट्री के बाद में स्टॉक प्राइस जो आप जो टारगेट होगा वो स्टॉक प्राइस का 0.7%, 1.5% और 2.5% हमारा थर्ड टारगेट होगा। अगर ये बैंक निफ्टी में हमने बनी है और बैंक निफ्टी में हम ट्रेड कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी में जो हमारा पहला टारगेट होगा वो टारगेट हमारा होगा 80 पॉइंट का। ध्यान रखिएगा हम पॉइंट में कैलकुलेट करेंगे बैंक निफ्टी को, ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी में 0.7% या 1.5% लेके मत चलना, वो सारे दिन में उतना मूवमेंट ही ना आए कहीं। तो पहला टारगेट कितना होगा, 80 पॉइंट का हमारा पहला टारगेट होगा। सेकंड टारगेट जो हमारा होता है वो होता है 155 पॉइंट का, और थर्ड टारगेट जो यहां पे निकल के आता है वो 2
ट्रिपल टू का यानी 222 का। फर्स्ट टारगेट हमारा 80 पॉइंट से लेकर के 100 पॉइंट के बीच का निकल के आता है। जब भी बुलिश मोरूबोजू बनती है तब की बात कर रहा हूँ, एक अच्छे ट्रेंड के बाद बैंक निफ्टी में जो टारगेट होगा फर्स्ट टारगेट वो 80 पॉइंट के लमसप का मैं लेके चलता हूँ, सेकेंड टारगेट मैं 155 पॉइंट का लेके चलता हूँ और थर्ड टारगेट 222 पॉइंट का लेके चलता हूँ। अब चीज़ों को समझो, मान लीजिए हमने इंट्री ले ली यहाँ पे और इंट्री के बाद हमें 80 पॉइंट दिख गया, 80 पॉइंट दिखने के बाद वापस वो नीचे रिवर्स होकर आ रहा, तो मैं यहाँ पे एसएल नहीं लूंगा। ध्यान रखिए पहले टारगेट के पास पहुँचना ये आपकी समझदारी आपके विवेक पर निर्भर करता है कि उस दिन मार्केट का ट्रेंड कैसा है, बैंक निफ्टी के कंपोनेंट कैसा ट्रेड कर रहे हैं, मोमेंटम कैसा है, वहाँ पर देख के हम डिसाइड करते हैं। नहीं कुछ समझ में आता है तो कम से कम यहाँ पर जाकर 75% का प्रॉफिट बुक कर लो, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा 75% का प्रॉफिट बुक कर लो। कुछ लोग गलती क्या करते हैं ना कि फर्स्ट टारगेट होने के बाद में सेकंड टारगेट के लिए वेट करते हैं, लेकिन मार्केट अगर फर्स्ट टारगेट से घूम जाता है ना तो वो लोग एसएल लेते हैं। भाई ये कौन सा बिजनेसमैन हुआ कि आपको प्रॉफिट मिल रहा था वो प्रॉफिट छोड़ के आप जाके लॉस लेके चले, इस तरह से ट्रेड खराब होंगे। तो कभी भी अगर फर्स्ट टारगेट के आसपास भी पहुंच जाए तो कुछ ना कुछ, अब क्या हो गया, अब मैंने एंट्री ले ली, एंट्री लेने के बाद ये 80 पॉइंट के पास नीचे की तरफ आ रहा, तो मैं इस सौदे में अब लॉस नहीं लूंगा, ये आपकी कंडीशन होनी चाहिए। वहां पे मैं 70% 80% 75% प्रॉफिट लेके शांति से बैठा रहूंगा, एंट्री पॉइंट के पास ही ऐसे लगाऊंगा, ठीक है, एंट्री पॉइंट के पास एसएल लगाऊंगा, एंट्री से थोड़ा सा आसपास थोड़ा नीचे लगा के एसएल रखूंगा, तभी मैं इस टारगेट के लिए वेट करूंगा। अगर इस मोमेंटम में ये चला गया, मान लीजिए 140 चला गया, इसी मोमेंटम में 140 चला गया, तो मैं एसएल जो यहाँ पे लगा था एंट्री पॉइंट के ना, वो एसएल मैं इसके ऊपर लेके आ जाऊंगा, फर्स्ट टारगेट के ऊपर लेके आऊंगा। ये चीज़ें हर समय ध्यान रखिएगा, आप लोग यही गलती करते हो, आप लोग ये 222 पॉइंट ही मान के चलते, भाई ऐसा नहीं होता। इस टारगेट के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हमारा ये टारगेट होता है, इस टारगेट के ऊपर सस्टेन करता है तो ये टारगेट होता है। अगर इस टारगेट के आसपास घूमने के बाद टारगेट पे आ जाए तो मैं इस टारगेट के पास में पूरा प्रॉफिट नहीं बुक करूंगा। हर प्रॉफिट जैसे मान लीजिए यहां पे अगर मैंने 75% बुक कर लिया, ठीक है, मार्केट और ऊपर यहां पे चला गया, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, जो बचा हुआ है ना उसमें से, यानी 25% मेरे पास बचा हुआ है तो मैं 20% वापस यहां पे बुक कर लूंगा। फिर मार्केट यहां पे जाता है तो मैं लास्ट टारगेट यहां पे पूरा बुक कर लूंगा। या मोमेंटम अगर मार्केट कैंडलस्टिक मान लीजिए कोई भी 5 पॉइंट की कैंडल रेड बनी नहीं रही है, ग्रीन ही ग्रीन बनते हुए जा रही है, तो मैं फिर वहां पे मोमेंटम को ट्रेड करूंगा और फिर 5 मिनट की कैंडल का लो ही एसएल रखूंगा। अगर मुझे 4-5 कैंडल कंटिन्यू ग्रीन मिल गई है तो ये ध्यान रखिएगा, 4-5 कैंडल अगर कंटिन्यू ग्रीन मिल गई मुझे बैंक निफ्टी में, तो मैं क्या करूंगा, ग्रीन कैंडल के लो का ही एसएल लगा के चलूंगा, फिर मैं एसएल यहां पर भी लेके नहीं आऊंगा। इन सब चीजों को आप समझना पड़ेगा तभी यहां पे प्रॉफिट आपको मिलेगा, नहीं तो क्या होगा, प्रॉफिट दिखेगा आप ले ही नहीं पाओगे। पहली कंडीशन क्या है, मार्केट का ट्रेंड डाउन होना चाहिए। अच्छा, बुलिश मोरूबोजू में ये जरूरी नहीं है कि इसी का लो सबसे लो होगा, हो सकता है इसका लो सबसे लो हो, हो सकता है इसका लो ज़्यादा हो, या हो सकता है इसका लो ज़्यादा हो उसके 2-3 कैंडल बाद ये बुलिश मोरूबोजू ऊपर की साइड में बने। तो बुलिश मोरूबोजू में ये ध्यान रखना है कि कैंडल तो ग्रीन ही होगी, ठीक है। दूसरी क्या है कि जरूरी नहीं है कि इसका लो ही सबसे लो हो, सकता है इस रेड कैंडलों में से किसी का लो ज़्यादा हो उसके बाद ये बुलिश मोरूबोजू बनी, हो सकता है 2-3 छोटी छोटी कैंडलें बनने के बाद में ये बुलिश मोरूबोजू बना तो भी चलेगा। बाइंग हमें बुलिश मोरूबोजू के ऊपर ही करना है, स्टॉक्स हो या इंडेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, निफ्टी हो या स्टॉक्स हो, इसी के ऊपर जैसे निकलेगा हम बाइंग करेंगे, यही हमारा एसएल रहेगा। यहाँ पर सोच विचार मत करना, क्योंकि जब इसको ये ब्रेक करता है ना तो काफ़ी तेजी से और नीचे गिरता है, तो जो भी आपका एसएल बिल्कुल स्टिक लगाओगे तभी आपका पैसा यहां पे बनेगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए और वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए जिससे हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए। तो 1 मिलियन की एक बैंक निफ्टी के लिए आप लोग के लिए बेहतरीन स्ट्रेटजी मैं डालने वाला हूं, लेकिन उसके पहले आप लोग को 1 मिलियन इसको करना पड़ेगा। अभी भी मेरे ख्याल से शायद 8,000 कम है, तो मेरे ख्याल से जब मैं ये वीडियो पोस्ट करूं, ये अगली वीडियो पोस्ट करूं, तो उसके पहले अगर 8,000 सब्सक्राइबर आ जाए तो मैं उस पर बैंक निफ्टी की एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी डालूंगा, वो भी फ्राइडे या सैटरडे को ही डालूंगा। तो बीच में अगर 1 मिलियन कंप्लीट होगा तो मैं नेक्स्ट फ्राइडे को आप लोग के लिए या नेक्स्ट सैटरडे को वो स्ट्रेटजी मैं बैंक निफ्टी की डालूंगा, बहुत गजब की स्ट्रेटजी डालूंगा। तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब चलिए मैं बुलिश मोरूबोजू का आप लोग को 5 मिनट के चार्ट पे कुछ एग्जांपल दिखाता हूं जिससे आप लोग को चीजें समझ में आएंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल मैंने निकाले हैं। तो एग्जांपल यहाँ पे देखिए कि ये कंटिन्यू यहाँ से देखेंगे तो ट्रेंड इसका डाउन है। देखिए बीच बीच में ग्रीन कैंडल बनी हुई है, तो इस ग्रीन कैंडल से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पूरा ट्रेंड देखेंगे ओवरऑल जो ट्रेंड है वो डाउन ही है। और कंटिन्यू देखिए 8-10 कैंडल से ज़्यादा इसका डाउन ट्रेंड यहाँ पर है, और यहाँ पर बुलिश मोरूबोजू कैंडल यहाँ पर बन रही है। इस कैंडल के ऊपर हमें बाइंग करना है, यहाँ पर ये हमारा एसएल होगा, जो भी बनेगा वो एसएल, वो हमारा एसएल यहाँ पर रहेगा। ये ध्यान रखना है कि एसएल बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, और पहला टारगेट जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पर,
मैंने पहला टारगेट आपको बताया कि 80 पॉइंट से लेकर के 100 पॉइंट के बीच का आपका पहला टारगेट यहाँ से होगा। तो बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ से बैंक निफ्टी ने दिया और यहाँ पे देखिए तो बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पे बैंक निफ्टी ने दे दिया। देखिए ये कंसोलिडेशन होंगे बीच बीच में, अगर यहाँ से डर जाएंगे या 10 पॉइंट या 20 पॉइंट लेके भागने लगोगे ना तो वही आपकी आदत बन जाएगी। तो अपनी आदत को थोड़ा सा सुधारो, प्रॉफिट में थोड़ा सा बैठो, लॉस को जल्दी कट करो। लॉस प्रॉफिट को जल्दी कट करने की जरूरत नहीं, हमेशा लॉस को जल्दी जितना जल्दी कट करोगे उतना आपके लिए ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। आप लोग क्या करते हो, प्रॉफिट को बहुत जल्दी कट करते हो और लॉस को लेके बैठे रहते हो, तो यही सबसे बड़ी कमजोरी आप लोग की है। तो आप लोग प्रॉफिट को थोड़ा वेट करो, थोड़ा सा टाइम दो और लॉस को फटाक से कट करो, ठीक है। अब ये सेकंड में यहाँ पे दिखाऊं तो सेकंड यहाँ पे देखिए, सेकंड कैंडल यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी देखिए ट्रेंड अच्छा है, देखिए डाउन ट्रेंड ही है। यहाँ से रेड कैंडल बननी स्टार्ट हुई, बीच बीच में एक दो ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन ये क्या है, ओवरऑल ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है। और डाउन ट्रेंड में देखेंगे तो हमारी कैंडल लगभग 8 से 9 कैंडल जो है वो भी कंप्लीट होती है। यहाँ पे देखिए बुलिश मेरुबोजी कैंडल बनती है, यहाँ पे हम SL रखेंगे, ये हमारा SL हो गया और ये हमारा, ये कोई स्टॉक है ये, तो ये हमारा SL है और यहाँ से हम मार्केट एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ से देता है और ये देखिए उसी लेवल के आसपास पहुंच जाता है जहां से मार्केट गिरना स्टार्ट होता है। नहीं शायद बैंक निफ्टी है, 40 जा रहा है तो बैंक निफ्टी है, तो ये बैंक निफ्टी शायद एग्जांपल बैंक निफ्टी के ही मैंने निकाले हुए हैं। तो ये यहां से देखिए काफ़ी ज़बरदस्त मूवमेंट देता है। फिर से वही बोल रहा हूँ कि जब आप यहां से डरने लगते हो, मैंने बताया ना कि एक बार जब अच्छी कैंडल बनती है ना तो मोरबोजू कैंडल बनती है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दे के जाएगी। आप एग्जाम्पल पहले देखिए, धीरे धीरे टेस्ट कीजिए, धीरे धीरे कैंडल को ढूंढिए, छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, तब सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आएंगी। SL स्टिक रखिए बस। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करते रहिए आप लोग। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, जो सुझाव वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। तो यहाँ पर देखेंगे एक और, तो यहाँ पर भी देखिए डाउन ट्रेंड है, बीच बीच में ग्रीन कैंडलें बनती हुई है, जैसा कि मैंने बताया ये बेरिश इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग, जो भी कैंडल स्टिक बताऊंगा वो इस तरह की कैंडलें बनती रहेंगी। अगर वन वे मिला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हमारा SL हो गया, ये हमारा SL हो गया, देखिए पहली कैंडल में ही शायद आपका टारगेट हो गया। यहाँ पर थोड़ी देर आपने वेट किया तो बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पर मिल के गया। तो इस तरह से आपको इंतजार तो करना पड़ेगा, बिना इंतजार किए पैसा तो मिलेगा नहीं, मार्केट ऐसे तो पैसा आपको देगा ही नहीं, मार्केट आपसे इंतजार करवाएगा, पूरा टाइम वसूल करेगा आपके पैसे का, तभी आपको पैसा देगा। यहाँ पर भी देखेंगे तो मार्केट का ट्रेंड डाउन है, बीच बीच में कैंडलें जरूर ग्रीन बनी हुई है लेकिन मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो यहाँ पे डाउन है। और जैसा कि मैंने बताया कि कभी कभी 3-4 कैंडलों को एक ही कैंडल कवर कर लेगी, तो यहाँ पर देखिए, और जरूरी नहीं कि इसका लो सबसे लो हो, बस ट्रेंड डाउन होना चाहिए, जितना अच्छा ट्रेंड उतना अच्छा रिजल्ट, ये ध्यान रखना। यहाँ पे बनी और यहाँ से बनने के बाद देखिए काफ़ी अच्छा मूवमेंट यहाँ पे देखी गई, नहीं होगी तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करोगे, ये ठीक है कि यहाँ पे आएगा तो 5 मिनट का अगर हमने लगाया होगा तो हमारा SL हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से देखेंगे तो बहुत अच्छा मूवमेंट मिल गया ना, 41,380 से देखेंगे तो 41,500 पहुँच गया, लगभग 120 पॉइंट का मूवमेंट जो हमें चाहिए था वो मूवमेंट हमें यहाँ मार्केट देके गया। मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, फिर से कुछ नई एंट्री मिली यहाँ पे तो हो गया फिर। लेकिन चीज़ों को ध्यान रखिए, जो पहला मूव है, अब इस मूव के लिए रिग्रेट मत करो कि यार मैं रुका होता तो ये भी मिल जाता, हो सकता है रुके होते जाता तो SL भी आपका लेके जाता, जो एंट्री प्राइस था वहाँ पे आया था तो आपका जो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ता। तो जो भी पहले मिल रहा है उस पर बिलीव करो, जो नहीं मिल रहा उस पर बिलीव मत करो कि कहाँ जाएगा, होप में मत जियो। जो रियलिटी आपको दिख रही है ना उसको पहले देखो, चार्ट को देखो, चार्ट क्या बोल रहा, चार्ट बोल रहा निकलने के लिए निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मूव मिलेंगे, नेक्स्ट मूव मिलेगा, नेक्स्ट डे मिलेगा। तो मूव से मत डरो, ये मत आप ढूंढो कि मैं मूव को छोड़ूंगा नहीं। आप लोग तो प्रॉफिट में निकलते हो, लॉस में तो आप लोग बैठे रहते हो, तो लॉस में तो आप लोग को डर ही नहीं लगता। यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू डाउन ट्रेंड है, बीच में देखिए कई जगह रुका भी है लेकिन ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो लंबा खासा डाउन ट्रेंड आ रहा है। यहाँ पे मोरगोजू कैंडल बनी और उसके ऊपर मार्केट निकला तो मार्केट में एक जबरदस्त मूवमेंट हमें देखा। कुछ नहीं होगा तो देखो यहाँ पर तक तो जाओगे, यहाँ तक तो रुकना चाहिए आपको ना। बहुत लोग गलती क्या करते, इसी कैंडल के अंदर में ही, जैसे मान लीजिए अगर ये 5 मिनट की कैंडल है तो 1 मिनट में क्या क्या होगा, हो सकता है 1 मिनट में 20 पॉइंट नीचे भी आया हो तो वो 20 पॉइंट में ही निकल जाएंगे, मतलब ये कैंडल पूरी बनने भी नहीं देंगे तब भी निकल जाएंगे। और यहां पे देखिए ये कैंडल क्या बता रही है, ये कैंडल अभी भी होल्ड करके चल रही है, एक नया मूवमेंट आपको मिला। तो यहां से भी देखेंगे तो लगभग 40,300 से लेकर 43,000 से यहां पे देखेंगे तो बहुत अच्छा मूवमेंट मिला, 43,100 तक का जो हमारा 80 पॉइंट 100 पॉइंट का मूव है वो मार्केट इजीली आपको देता है। उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आगे का मूव पकड़ने के लिए आपको एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस चाहिए। यह आगे का मूव पकड़ने के लिए समझता है कि अगर हमने यहां पर 70% बुक कर लिया, 30% हमने रखा हुआ है अपने बाइंग प्राइस के आसपास में, फिर मार्केट ने जैसे इसको लेवल को ब्रेक किया हमारा SL भी धीरे धीरे करके ट्रेड ट्रेल करते जाएंगे। तो ट्रेडिंग इसी तरीके से होगी, ट्रेडिंग में ये नहीं कि पूरा मैं लेके जाऊंगा, मैं एंट्री यहाँ पे लूँ और मैं यहाँ पे निकलूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, आप लोग ये गलती जरूर करते हो कि बीच बीच में निकल जाते हो, 10-10 पॉइंट 5-5 पॉइंट में निकलोगे। एक ये आदत सुधारो,
स्टॉप लॉस के लिए रुको, टारगेट के लिए रुको, रुकना सीखो, या चार्ट पे, चार्ट का जो बिहेवियर है ना उसको समझना सीखो। चार्ट क्या बोला, जरूरी नहीं कि हमें टारगेट तक भी पहुंच जाए, कभी कभी चार्ट बिना टारगेट पे पहुंचे पहुंचे भी हमें बताया था कि भाई निकल जाओ यहाँ से, आपको मार्केट गिरेगा। तो चार्ट को देखना सीखो, चार्ट को फील करना सीखोगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।